अलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, तो आपकी दुआओं से मेरी खैरियत से। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और आपने करना है वीडियो को फुल वॉच। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाए मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और प्यारा से करें कमेंट। और मेरे पीछे बैठी है लिशवा। तो लिशवा को लग रही है भूख बहुत सख्त वाली, और मुझे बोल रही है कि मामा जो ना आज मटर वाले चावल बनाओ। तो चावल मैं इसको नहीं दे रही, क्योंकि इस वजह से नहीं दे रही, इसको खांसी बहुत ज़्यादा है जो अभी तक भी है। तो मैं इसको चावल नहीं बना के दे रही, नहीं ना बनाने बना नहीं। तो चावल ये खा ले तो फिर ज़्यादा इसको मसला हो जाता है, तो इस वजह से चावल जो है कि वो मैं इसको नहीं बना के दे रही। कुछ सालन वगैरह बनाएंगे और साथ बनाएंगे रोटी। और दिया का जो आपको मैंने हाथ दिखाया था, तो दिया का हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ, और दिया के हाथ पर हम क्या लगा रहे हैं और इसका क्या उपाय होता है वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। कि अगर इसको मतलब कि पंजाबी में बोलते हैं कख लग गया, हाथ पे लग जाए, वो कहीं भी जगह पे लग सकता है और वो पता भी नहीं चलता कि कैसे लग गया और कैसे नहीं लगा। तो फिर उसका जो है कि वो धागा वगैरह वो बांधते हैं, वो धागे से ही वो ठीक होता है हाथ। तो अभी काफ़ी बेहतर है, मतलब उसकी जो पीप वगैरह थी वो निकल गई है। तो अभी मैंने नीम जो है कि वो गर्म की है, तो नीम के साथ उसका हाथ जो वॉश करती हूँ, तो आपको दिखाती भी। तो आपने वीडियो में इसी तरह मेरे साथ साथ रहना है। और सबको हमारी तरफ से आज ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप इस तरह हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। तभी चलते हम दिया है वो नीम जिसके साथ दिया का हाथ जो है कि वॉश करेंगे। और दिया बैठी है इधर। हेलो दिया। हेलो व्यूअर्स, कैसे करते कि आप सब ठीक होंगे? तो जी व्यूअर्स, ये देखिए अब मेरा हाथ थोड़ा बेहतर है। तो ये देखिए जी, और दुआ करनी है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए और मैं जल्दी से बिरयानी खा सकती। ये देखिए जी, अभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, लेकिन वो जो पीप थी वो निकल गई है। तो अभी इसको थोड़ा सा सुकून हो गया है ना, आगे से 100% बेहतर हो जाए। हाँ, तो ये देखे जी, अभी अपना ये हाथ जो है कि वो उसको धोएगी अच्छे तरीके से। चलो, तो ये हाथ को इस तरह धोते हैं व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप। और जो ये नीम के पत्ते हैं, बाद में ये जब हाथ को धो लेगी और इसके ऊपर फिर दोबारा बांध देंगे कि जो पीप वगैरह रह गई है वो सही हो जाए। तो इधर बैठी है शकीला भी। तो शकीला भी आई थी धूप में। क्या तो मेरी तरफ से ठीक ठाक खैरियत से होंगे? तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस मुबारक हो। तो मैं भी धूप में आई थी इधर, और सादिया का पता करने आई थी। हाँ जी, तो इधर बैठी है लिशवा। तो लिशवा ने हेलो व्यूअर्स, मुँह छुपा लिया। नहीं, मैंने सर को ऑयल लगाया, इस वजह से मैंने ऊपर दुपट्टा ले लिया। अच्छा, तो इधर मेरी जो एक अपनी कारागारी कुछ दिखा रही है, इधर देख। ये देखिए व्यूअर्स, मेरे पास चौक है छोटे छोटे, और मैं ड्राइंग बना रही थी, मेरे दोस्त ने दिए थे। और आपको सबको मेरी फैमिली से मैरी क्रिसमस। हाँ जी, फैमिली से मैरी क्रिसमस हमारी फैमिली की तरफ से। और बस बहुत ज़्यादा दिया को जो है ना हाथ वो खराब क्या खा खराब हो गया व्यूअर्स, तो भी वो वॉश कर रही है इसको, वो आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो इसको वॉश जो अच्छे तरीके से कर ले, और फिर जो है कि इसके ऊपर वो नीम वगैरह हम बांध देंगे। तो लिशवा को लग रही है भूख, तो लिशवा बोल रही है जी मामा चावल बना के दो। तो चावल इसको नहीं देने क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा है इसको। तो ये दिया का हाथ वगैरह ये मतलब कि वॉश कर ले, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो दिया ने अपना हाथ वॉश कर लिया है पानी के साथ, और वो जो नीम के पत्ते थे वो भी उसके ऊपर रख के, तो कपड़े के साथ मेरे को साफ़ कपड़े के साथ मैंने बांध लिए। और आप लोगों ने दुआ में याद रखना है कि जल्दी से दिया का हाथ प्रॉपर ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ऊपर से वो सारी जिल्द उतर गई ना, तो काफ़ी जो है ना ज़ख्म बन गया है। तो मतलब कि पहले से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों ने दुआ में याद रखना है कि फटाफट मुकम्मल तो ठीक हो जाए। और मैरी क्या बना रही, मैरी जी वो देखे मिट्टी का, इस तरह जिस तरह मैंने चूल्हा बनाया ना उसी तरह का चूल्हा बना रही है। बोल रही कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चूल्हा बनाती हूँ। तो अभी मैं बच्चों को बना के देने लगी हूँ खाना। खाने में मेरे पास चावल तो नहीं बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और साथ ही सालन बनाएंगे। तो आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। पसंद आएगा तो आप लोगों ने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करने हैं, और हमारी फैमिली को भी दुआ में याद रखना है। तो एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी, तब के लिए खुदा हाफिज़।